इंडिया का पहला स्कूटर जो कि प्रोड्यूस करता है मोर देन 10 bhp, जिसका नाम है TVS N-Torq XP. TVS कंपनी एक ऐसी कंपनी है जिसको कि मैं जानता हूँ, जो अपने डिज़ाइंस और अपने जो टेक्नोलॉजी है उसको हमेशा टॉप लेवल पर रखना चाहती है. उसी की ही बदौलत ये ऐसे मॉडल्स उतार रहे हैं बिल्कुल लेटेस्ट लोगों को, जो न्यू जनरेशन है उनको मद्देनज़र रखते हुए. तो हम जरा सबसे पहले इसका सुनेंगे साउंड. ये देखो, ये एक स्कूटर का साउंड है जो कि आपके सामने है. ये देखिए, मैं थ्रॉटल दूंगा, ये एक स्कूटर का साउंड है. इतना हैवी जो थंप है इसके अंदर वो काफ़ी अच्छा है, मीन्स कि आपको स्कूटर चलाने में भी इतना मज़ा आएगा कि आप सोच ही नहीं पाएंगे कि आप स्कूटर चला रहे हैं या फिर आप चला रहे हैं एक मोटरसाइकिल. तो ये है आपके सामने TVS N-Torq XP वेरिएंट, बहुत ही नया है. और जो इसकी स्पेसिफिकेशन है, जो पहले इसका डिज़ाइन है, उसके बारे में बात करते हैं. जब कंपनी सोचती है कि उनको कुछ बड़ा करना है, अच्छा करना है, तब वो कुछ इस टाइप के मॉडल्स निकालते हैं. ये जो मॉडल का जो डिज़ाइन सेंस है, ये मेरे को बहुत ही प्यारा लगता है. अगर इसको इस एंगल से देखें तो कहीं से भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप एक स्कूटी चला रहे हैं. और ये जो जिस कैटेगरी के अंदर ये आता है, ये स्कूटी कैटेगरी के अंदर आता है. लेकिन इसके अंदर जो पावर है वो सबसे ज़्यादा पावर है. और जो इसके आप ग्राफिक्स देख रहे हैं, अल्टीमेट ग्राफिक्स रेस एडिशन TVS की तरफ से, TVS रेस का ये पूरा का पूरा उन्होंने इसके ऊपर डाल रखा है ग्राफिक्स सेंस. अगर यहाँ पे इसके मैं इस वाले पोर्शन की बात करूँ, तो आपको ये जो रिम्स दिख रहे हैं इस वक्त, ये जो रिम आपको दिख रहा है और ये जो डिस्क दिख रही है, ये देखिए कि कितना अच्छे से इसको मैनेज करके लगाया हुआ, मतलब डिज़ाइन सेंस जो है वो काफ़ी अच्छी यूज़ की गई है. यहीं से अगर पीछे पीछे चलते आते हैं तो यहाँ पे आपको गाइस बहुत बड़ा एक स्पेस मिल जाता है, जिसमें आपके दोनों पैर तो आ ही जाएंगे और बीच के अंदर आप एक बैग या फिर कोई भी और छोटी मोटी चीज़ रख सकते हैं. यहाँ से हम इसको चाबी को निकालते हैं और लगाते हैं यहाँ और खोलते हैं अपनी सीट. तो ये देखिए, जो सीट है उसमें इतना स्पेस है, काफ़ी स्पेस है. हेलमेट यहाँ पे आ सकता है आपका, और यहाँ पे छोटा मोटा सामान और आ सकता है. यहाँ पे एक लाइट है जो कि मेरे को अच्छी चीज़ लगती है, क्योंकि रात को क्या होता है कि डार्क एरिया के अंदर चीज़ें दिखती नहीं है, आपने छोटी छोटी चीज़ रख रखी होती हैं. यहाँ पे जो है आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा. उसके बाद आपको यहीं पे ही अपनी गाड़ी का चेसी नंबर देखने को मिलेगा. यहाँ से आप इसका फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं. इसको मैं अगर इधर करूँगा तो ये फ्यूल लिड ओपन हो गया. तो बेसिकली क्या होता है, जिन स्कूटर्स में ये पीछे की तरफ होता है फ्यूल लिड, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपको सीट ऊपर करने की जरूरत नहीं है. बहुत सारे जो स्कूटर्स पहले आते थे, उसमें क्या होता है कि पेट्रोल पंप पे आप जाओ और आप बहुत ज़्यादा परेशानियों में अपना ये जो सीट है इसको खोल के ऊपर करते हो, आपने अगर अपने फैमिली को बिठा रखा है वो सब नीचे उतरते हैं. ऐसे स्कूटर्स में क्या होता है कि इनमें आपको उतरने की जरूरत नहीं है, आप बस यहीं से ही चाबी लगाओ और यहीं से ही खोल दो. छोटी मोटी चीज़ें ही डिज़ाइन के अंदर एक अलग ही चार्म क्रिएट कर देती हैं. अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर आपको एक हुक मिलेगा, या हुक है अपना छोटा, रोज का डेली मर्रा का आप सामान इसमें टांग सकते हैं. जो भी आपकी ग्रॉसरी आइटम्स हैं, आप कुछ और लाना है, दूध लेके आना है, कुछ भी लाना है, आप यहाँ पे टांग सकते हैं और यहाँ पे भी रख सकते हैं. तो मतलब स्कूटर का काम पूरा पूरा है विद रेसिंग स्पेक्स. अब मैं दिखाना चाहता हूँ कुछ अल्टीमेट चीज़ें, जैसे कि ये फुट पैक्स देखिए. ये फुट पैक्स की जो क्वालिटी है, ये एक हाई लेवल प्रोडक्ट. इसमें आप आवाज़ देखिए, ये देखिए, ये आवाज़ जो है ना इसकी, ये हाई लेवल प्रोडक्ट की पहचान है, वरना हमें कोई ऐसी आवाज़ नहीं आएगी और बिल्कुल ही अंदर जाके ये बंद हो जाएगा. यहाँ पे हमें मिलती है किक, और यहाँ पे हमें मिलता है जिसके ऊपर लिखा हुआ 3 valves. जो टायर्स हैं इसके काफ़ी बड़े हैं, तो गड्ढे भी इतनी आसानी से पता नहीं चलते हैं. पिछले टायर में आपको ड्रम ब्रेक का ऑप्शन मिलता है और अगले में मिलता है डिस्क का. यहाँ से अगर इसकी लाइट्स देखें तो यार, लाइट जो है इसकी वो बिल्कुल टर्मिनेटर फिनिशिंग वाली लाइट है इसकी. अगर मैं इसकी लाइट एक बार ऑन करूँ, तो ऑन करने के बाद टेल लाइट कुछ इस टाइप की लगती है. इसको देखने से ऐसा लगता है कि ये टर्मिनेटर वाला, जो जैसे हमने मूवी देखी ना ट्रांसफॉर्मर, टर्मिनेटर, कुछ वैसा वाला फीलिंग आती है इसको देखने में. यहाँ पे आपको TVS की ब्रांडिंग मिलती है और ये दो टर्न्स इंडिकेटर्स. यहाँ पे आप देख रहे हैं तो ये है एग्जॉस्ट सिस्टम, और ये जो इसकी क्वालिटी है मेटल है पूरा, और ये जो इसके ऊपर हीट शील्ड लगा रखी है इन्होंने, ये भी बहुत ही अच्छी मैट फिनिश के अंदर है. रेस वाला जो मॉडल है उसको और ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए रेड कलर तो ऊपर है ही. यहाँ देखिए, इसका जो इंजन का जो फ़ैन है, कूलिंग फ़ैन, वो भी रेड है.
अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी हाइट 5'5", 5'10", 5'11", समथिंग ऐसे है, मैं इस बाइक पे, मैं इस स्कूटर पे बैठ भी पाऊंगा या फिर नहीं, या फिर मेरी हाइट 6 फुट की है, तो ये देखिए मैं हूँ 6 फीट का और मैं कुछ ऐसा सा लगता हूँ। अगर मैं इसको साइड से दिखाऊँ यहाँ से तो कुछ आपको ऐसा सा लुक आने वाला है अगर आप इसके ऊपर बैठेंगे तो, ये देखिए। और बैठने के बाद जो इसका स्टांस बनता है और जो ये जो स्कूटर है ना, ये बेसिकली स्कूटर जैसा नहीं लगता, ये स्कूटर लगता है एक हाई लेवल मशीन। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि मैं बैठ रहा हूँ इतने फिक्स होके, मतलब इतना ज़्यादा ये जो विंड स्क्रीन है, हैंडल है, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल टाइट, ऐसा लगता है कि आप हाई क्लास हाई क्वालिटी की कार चला रहे हैं। ये हाई क्वालिटी स्कूटी है, ये हाई क्वालिटी स्कूटर मैं इसको कहूँगा। अब बात कर लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की कि ये क्या क्या आपको देगा, कितने पैसों में देगा। दिस इज ऑल न्यू TVS Ntorq रेस XP, इंडियाज फर्स्ट 125cc स्कूटर विद मोर देन 10 HP पावर, जिसका XP का मतलब है एक्स्ट्रा पावर। अगर इंजन की बात करें तो इंजन में है 3-valve सिंगल सिलेंडर 4-stroke SI एयर कूल्ड फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि है 124.8cc का। मैक्सिमम आउटपुट देता है 10.2 PS का एट 7000 RPM पे, एंड मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करता है 10.8 mm का एट 5500 RPM पे। टर्न इंडिकेटर्स जो हैं इसके आपको वो फ्लोरोसेंट बल्ब के ही मिलेंगे, आप चाहे तो LED में अपग्रेड कर सकते हैं बाहर से। और जो इसकी हेडलाइट है उसमें बहुत ही खूबसूरत DRL विद LED इंटीग्रेटेड लाइट्स आपको मिलती हैं। अगर रेयर सेक्शन की बात करें तो रेयर सेक्शन में भी आपको टर्न इंडिकेटर्स, फ्लोरोसेंट बल्ब भी मिलेंगे, लेकिन जो इसकी टेल लाइट है वो फुल्ली LED से लेस है। तो जी, बातें तो बहुत हो गई, इंजन कैसा है, LEDs कैसी है, डिज़ाइन कैसा है, सब कुछ बता दिया, सब कुछ बहुत पसंद आया मुझे पर्सनली। अब देखते हैं इसको एक बार टेस्ट राइड करके कि इसके अंदर कितनी जान है। तो गाइज, ये है हमारी न्यू Ntorq रेस एडिशन 125cc XP, मतलब एक्स्ट्रा पावर। तो अब इसको करने का है टेस्ट, टाइम आ चुका है। ये देखिए, इतने स्कूटर में भी आजकल जो है आपको ये डबल इंडिकेटर, जिसको कि हैजार्ड सिस्टम बोलते हैं, पार्किंग लाइट्स बोलते हैं, जो कार में सिस्टम होता है वो इसके अंदर भी आ रहा है। और सीरियसली बताऊँ, ये जो ब्रांडिंग है, ये जो इसके जो मीटर्स के जो फीचर्स हैं, ये भी बहुत मुझे अच्छे लगे। सबसे पहले इसको मैं चला के देखता हूँ, उसके बाद में इसके जो कंसोल के फीचर्स हैं वो चेक करेंगे। तो अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ, ये देखिए कैसे कार वाला इग्निशन सिस्टम है इसके अंदर। मतलब एक स्कूटर से ऐसी एक्सपेक्टेशन, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। अब क्या करते हैं, अब मैंने हेलमेट का वाइज़र बंद कर लिया है तो थोड़े से साउंड चेंज होगा। अब देखते हैं इसको एक बार चला के कि ये किस लेवल पे चल सकती है। तो गाइज, अभी देखिए बहुत स्मूथली मैं जा रहा हूँ, बहुत ही अच्छा सा मेरे को फील आ रहा है। यहाँ से इसकी सस्पेंशन टेस्ट हो जाएगी। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा भगाते हैं। ये देखिए, मैंने थ्रॉटल फुल खोल दिया है, 10 HP से ज़्यादा का इसकी पावर है। और ये जो एक और स्पीड ब्रेकर, बट इट्स ओके। तो ये देखिए कि ये कितनी जल्दी स्पीड पकड़ रही है। मतलब एक छोटी बाइक वाला जो पिकअप है ना इसमें, वो हमें मिलता है, छोटी बाइक वाला पिकअप है, नो डाउट। एक बारी इसको एक स्ट्रेच पे फुल थ्रॉटल खींच के देता हूँ कि ये कहाँ तक जा सकती है। टॉप स्पीड तो हम इसकी दिखा नहीं पाएंगे आपको, लेकिन हाँ ठीक है कि एक लेवल की ये कितना कंप्लीट कर सकती है। तो चलिए 3, 2, 1 स्टार्ट। ये मैंने थ्रॉटल पूरा खींच दिया, ये इसका पिकअप है और मेरा वेट है 110 किलो। तो आप अगर देख सकते हैं बीच में चिड़िया भी आ गई है और ये स्पीड ब्रेकर भी आ गया है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानूंगा और मैं इसको एक बारी भगा के दिखाना चाहता हूँ कि इसका पिकअप क्या है। पिकअप तो भाई शानदार लग रहा है, नो डाउट। यहाँ पर भी एक स्पीड ब्रेकर आ गया है, लेकिन जो पिकअप है इसका वो शानदार है, वेरी नाइस, मज़ा आ गया। एक स्कूटर से आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन, मतलब मैं सीरियसली अपना जो अपने दिल से बताऊं तो एक स्कूटर से मुझे ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं थी जैसे कि इसने करके दिखाया। वेरी अच्छा, वेरी नाइस, और बहुत ही मज़ेदार इसने जो है रिस्पॉन्स दिया है मुझे, नो डाउट। तो मतलब इसमें पैसा डालना अच्छा है, ऐसा नहीं है कि आप शर्माओ या फिर घबराओ। ये देखिए, वाह 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 वाह, मज़ा आ गया। सीरियसली स्कूटर है या फिर क्या बना दिया है TVS ने। मेरे को ऐसा नहीं लगा कि एक ये स्कूटर है एक्सीलेटर वाला, ऐसा लगा कि हाँ भाई एक बाइक चला रहे हो आप, 150cc वाली एक बाइक चला रहे हो। वो तो हमारे पास में यहाँ पे रोड खाली नहीं है, इस वजह से मैं चला नहीं पाया, आपको टॉप स्पीड दिखा नहीं पाया। लेकिन जिस दिन हमें रोड खाली मिली और ये स्कूटर मिला, उस दिन हम आपको रोड टेस्ट और टॉप स्पीड भी दिखाएंगे। अगर आप TVS की कोई सी भी बाइक या स्कूटर खरीदना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं
अहिंसा मोटर्स अर्चनी, इन लोगों की डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, गूगल लिंक भी दे दूंगा और नंबर भी दे दूंगा, आप डायरेक्ट कॉल करके पता कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। और यहाँ का जो स्टाफ है, सीरियसली आंखें खुल गई देख के कि ऐसा स्टाफ है जो कि आपको कहता है कि आप जो भी करिए, जैसे भी करिए, लेकिन दिल से करिए। तो स्टाफ के लिए वेरी गुड थम्स अप। और आप यहाँ पे आइए, अपनी TVS की कोई भी स्कूटर या बाइक बुक कीजिए, टेस्ट राइड कीजिए, मज़े कीजिए और एंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, ये था एक एंटॉर्क को लेके मेरी तरफ से एक वीडियो। कैसा लगा आपको? अच्छा ही लगा होगा। और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना, लाइक कीजिए। और अच्छा लगे और अच्छा लगे और अच्छा लगवाना हो लोगों को तो शेयर भी कीजिए। सो चलो, बाय बाय, कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। Bye-bye.